एक सही प्रतियोगी परीक्षार्थी की यह निशानी होती है कि अपने निर्धारित किए पथ पर पूरी लगन और सच्ची ईमानदारी से एक जुनून के साथ आगे बढ़ते रहने का हमेशा प्रयास करता रहे और रास्ते में मिलने वाले उन सभी अवसर को जो संबंधित क्षेत्र से हो उनको भुनाने की पूरी कोशिश करता रहे, किसी भी हालत में उसको प्राप्त करने में कोई कोर कसर ना छोड़े। और सबसे अच्छी बात तो वह होती है कि जिस सपने को आपने बहुत वर्षों से देख रखा हो, जिसकी तैयारी में आप इतने दिनों से लगे रहे हों, वही अवसर उसी को प्राप्त करने का मौका आपको मिल जाए तो उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। और मुझे लगता है कि उसको प्राप्त करने के दौरान, उसको पाने के दौरान जो चेष्टा शक्ति होती है, जो इच्छा शक्ति होती है, और बहुत ही तेज और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज उस जुनून को आपके अंदर, अपने अंदर खुद से डेवलप करना होगा। टारगेट विथ आलोक आनंद इंस्टीट्यूट ने इसी जुनून शब्द से प्रेरित होकर के एकलव्य बैच आपके सामने प्रेजेंट की है, जिसका मुख्य उद्देश्य जुनून ही डेवलप करना है। पढ़ाने को लेकर के तैयारी से समर्पित होकर के इस जुनून को आपके अंदर मेंटेन रखने के लिए ही इस एकलव्य शब्द का चयन किया गया है। मैं संदीप तिवारी टारगेट विथ आलोक आनंद इंस्टीट्यूट के इस एकलव्य बैच में, जो कि यूपीएसआई 2021 की परीक्षा के लिए केंद्रित है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो या लेक्चर के माध्यम से मैं आपको गणित विषय के साथ साथ संस्थान के द्वारा इस बैच की पूरी रूपरेखा, इससे जुड़ने का प्रोसेस, साथ साथ गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। थंबनेल में जैसे देखा होगा आपने कि यहां पर एक गणित का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे शुरुआत का टॉपिक प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन बैच को भी जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सभी एक माध्यम होते हैं आपके सामने चीजों को प्रेजेंट करने के लिए। आप हमसे एक ऑथेंटिक सूचना प्राप्त करते हैं अपनी तैयारी को अंजाम देने के लिए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही आपके प्रति होती है कि हम आपको प्रॉपर और पूरी सूचना प्रोवाइड करें। तो सबसे पहला काम कि आप इस बैच को, जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जुड़ने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप एक बना हुआ है जो कि यूपीएसआई के लिए है, आप वहां पर जुड़ जाएं। आप बैच में प्रवेश लेते हैं या नहीं लेते हैं, मतलब पेड ग्रुप में शामिल होते हैं या नहीं शामिल होते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन सबसे पहला काम एक टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के इस ग्रुप में खुद को ज्वाइन कर लीजिए। यह ग्रुप आपके लिए उतना ही ऑथेंटिक होता है या उतना ही वैल्यूएबल होता है जितना कि कोई एक संबंधित बैच में जुड़ करके प्राप्त करता है। वहां पर भी रह करके आपको बैच से संबंधित तमाम सारी जानकारी, पाठ्यक्रम से संबंधित तमाम सारी जानकारी, कोर्स से संबंधित, सीट से संबंधित और बहुत सारी रूपरेखा या सूचनाएं आपको प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा जो लोग मेन सोर्स या मतलब हम कह सकते हैं कि मेन ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए संस्थान ने एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर एंट्री के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया है। संस्थान की यह एक ऑथेंटिक नंबर हम लोग अपने अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको देते हैं, बिना किसी कन्फ्यूजन के आप इस नंबर को अपने मोबाइल पर सेव करिए। इस नंबर पर अगर आप बैच में जुड़ करके, पेड ग्रुप में जुड़ करके आप जो है पूरी तैयारी को अंजाम देना चाहते हैं, तो 7398035775 पर एंट्री फॉर यूपीएसआई 2021 लिखकर आप हमें सूचित करें। हमारे संस्थान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो टेलीकॉलर्स हैं, आपसे तुरंत संपर्क करेंगे और आपको बैच में जुड़ने का पूरा प्रोसेस और प्रक्रिया समझाएंगे। इनके अलावा भी अगर आप पढ़ने पढ़ाने से लेकर के संबंधित वैकेंसी से सब जानकारी को लेकर के, बैच से कोई प्रॉब्लम हो रही हो उनसे जानकारी के लिए आपको हम लोग एक कॉलिंग नंबर कुछ प्रोवाइड करते हैं, जो संस्थान के ऑथेंटिक और टेलीकॉलिंग नंबर हैं, जहां पर आप किसी भी डिटेल के लिए इन अलग अलग नंबर पर फोन कर सकते हैं, जो कि एक तरह से सिक्वेंशियल नंबर है। आप देखेंगे तो 9076605751, बाकी सब में 23456, इस तरह का एक सिक्वेंशियल नंबर, साथ साथ एक IVR नंबर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर आप चल करके सारी सूचनाएं संबंधित वैकेंसीज को लेकर के, संस्थान पे तमाम एक्टिविटीज को लेकर के, पाठ्यक्रम को लेकर के, पढ़ने पढ़ाने की स्थिति को लेकर के सारी डिटेल आप यहां पर कर सकते हैं, ले सकते हैं। कल के पब्लिक वीडियोस में आपको इस पूरी बैच की रूपरेखा, बैच के अंदर की डिटेल, पाठ्यक्रम को पूरा एक तरह से एक्सप्लेन किया गया, जिसको आपने प्रॉपरली समझा। आज मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से गतिविधियों को और प्रोसीड करने का है। अब जैसा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मैथ पढ़ाते हुए कई सालों से देख रहे हैं, मैं भी आप लोगों के लिए अपना जो भी ईमानदारी भरा प्रयास रहता है करने की कोशिश करता हूं, आप सभी को संतुष्ट करने की, पढ़ाई लिखाई से संबंधित आप सभी को जो है एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैथ्स को लेकर के, या ऑथेंटिक जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। और इसी ईमानदारी भरे प्रयास में मैं आपके साथ एक प्रयत्नशील रहता हूं। थोड़ी बड़ी कमियां सबके साथ होती है, अगर वह भी हमारे साथ होती है उसके लिए मैं आपसे हमेशा क्षमा प्रार्थी रहता हूं, लेकिन अपना भरपूर देने की मैं कोशिश करता हूं। आप सभी को आज इस बैच के माध्यम से, आप ध्यान से देखिएगा,
ये सारी सूचनाएं। इसके अलावा फिर जैसे मैं शुरुआत अगर आज के इस लेक्चर की करूं गणित को लेकर के, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं गणित को लेकर के यहां पर बात करने जा रहा हूं, तो गणित की एक शुरुआत करने की मैं कोशिश करूंगा। गणित की शुरुआत, गणित शब्द ही एक भ्रम है, एक डर है जो लोगों के मन में होता है, सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के मन में होता है। सबको यह लगता है कि अगर मेरा गणित मजबूत हो तो वास्तव में हम क्लियर करने की स्थिति में हैं। आप 40 प्रश्नों के 100 अंकों के इस गणित को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपीएसआई स्टेट लेवल का पुलिस अगर प्रोन्नति बोर्ड की बात की जाए तो एक बड़ा एग्जाम होता है। इस परीक्षा की जो आप कह सकते हैं गंभीरता, वो बढ़ जाती है, लेकिन उस गंभीरता को हम पूरी तरह से अपने बस में कर लेते हैं अगर हम सही स्ट्रैटजी सही रणनीति के साथ काम करें। पढ़ना हमें आता है, हम चीज़ों को जानते हैं, हम एकेडमिक में भी पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ने पढ़ाने की जो स्थिति होती है, जो कंपटीशन के माहौल को आपके अंदर डेवलप करने की हमारी कोशिश होती है, उसके माध्यम से हम औरों से आपको अलग बनाते हैं। हम अपने इस कंटेंट के माध्यम से, हम अपने इस शुरुआत के माध्यम से आपको एहसास कराने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता में गणित को कैसे पढ़ा जाएगा, क्या इसकी विशेषताएं होंगी, किस प्रकार से हमको अपने आप को इस पूरी पद्धति में झोंकना है, इस पद्धति से इन्वॉल्व करना है। मैं सबसे पहले शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा जो अथेंटिक या कह सकते हैं जो आधिकारिक रूप से हमें सिलेबस या पाठ्यक्रम प्रोवाइड किया गया मैथ्स को लेकर के, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं इतनी जानकारी आपको दे दूं कि 100 अंकों का 40 नंबर का पेपर होगा, 40 क्वेश्चंस का पेपर होगा। इन 40 क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि 35% पाना अनिवार्य है। 35% हर सब्जेक्ट में, हर सेशन में, हर सेक्शन में क्वालिफाइंग नेचर रखा गया इस परीक्षा की प्रकृति के हिसाब से, इसलिए इस सब्जेक्ट की गंभीरता बढ़ जाएगी, आप ध्यान में रखिएगा। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर उनके द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम की बात करते हैं जो मैथ को लेकर के प्रोवाइड किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी के दौरान हम जनरली ये समझ कर चलते हैं कि गणित दो भागों में बटी है, अंगणित है, एडवांस है। अंगणित का सेक्शन आप जानते हैं कि जो कैलकुलेशन पर बेस्ड होता है, संख्याओं की प्रकृति पर बेस्ड होता है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षार्थी अंगणित के कंप्लीट डिटेल सिलेबस, हालांकि मैं जब पढ़ाना शुरू करता हूँ कोर्स में, जब मैं आता हूँ तो मैं डिटेल सिलेबस आपको अपनी बैच में प्रोवाइड करता हूँ कि हम किस सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, उन्होंने क्या देख रखा है वो अलग बात है। सबसे बड़ी कमी यही होती है कि कोई भी अगर भर्ती बोर्ड जो परीक्षा कराती है, वो जो हमें सिलेबस देते हैं उसमें इतनी गंभीरता होती है, इतनी चीज़ें छुपी होती हैं, अगर वो पूरा क्लियर कर दे तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए डिटेल्ड हो जाए, साल हो जाए। लेकिन मुझे लगता है वो काम हम अध्यापकों का होता है, कोई भी टीचर हो, मैं ही नहीं, कोई भी टीचर हो जो आपको पढ़ाता है, उसका ही सही रणनीति आपके काम आती है उसकी ही, क्योंकि वो चीज़ों को फिल्टर करके निकालता है कि कौन से टर्म में कहाँ पर हमें क्या यूज करना है और इनके शब्द का यूज करके क्या क्या पढ़ना है। आप कभी भी अगर आपने अनुभव किया होगा, कोई पेपर आपने किसी परीक्षा को लेकर दिया होगा, आप मैच कराइएगा अपने उस परीक्षा प्रश्न पत्र को और आपको जो शेड्यूल्ड पाठ्यक्रम दिया था बोर्ड ने उसको मैच कराइएगा, तो आपको बहुत सारी भिन्नताएं नजर आएंगी। जैसे इन्होंने जो पाठ्यक्रम दिया है और साफ साफ उन्होंने संख्या पद्धति की बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल संख्या पद्धति मैथ अर्थात गणित का पहला पार्ट होता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संख्या पद्धति एक शब्द नहीं है, नंबर सिस्टम एक शब्द नहीं, ये बहुत बड़ी विचारधारा है, ये बहुत बड़ा प्रारूप है। यहाँ पे आप पढ़ते क्या क्या है सोचिए, सबसे पहले तो संख्या जानते हैं, संख्याओं को समझते हैं, संख्याओं के प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, उनके नेचर की बात करते हैं, उनकी वर्किंग पर आते हैं। वर्किंग में भी आए तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि आपको इकाई का अंक ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों को प्रोवाइड करना, रिमाइंडर्स का यूज करना, सीक्वेंस सीरीज का यूज करना, इस प्रकार से अगर हम देखें तो यह अपने आप में बहुत कुछ कंबाइन करता है, जो लगभग आपको 8-10 लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बैच में भी पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस पर भी फोकस्ड होते हैं। सरलीकरण अगर देखा जाए तो केवल एक शब्द सरलीकरण नहीं होता, यह संपूर्ण कैलकुलेशन अर्थात गणना को केंद्रित करता है। यह संपूर्ण कैलकुलेशन जिसमें आपको जो बेसिक कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव गुणे भाग की बात किया जाए, उसके ऊपर थोड़ा सा एडवांस अगर हम लोग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल की बात करें, सर्ट्स इंडिसेस घात करड़ी का उपयोग करें, छोटे मोटे अलजेब्रा का उपयोग कर लें और सबको मिला के अगर हम बॉड मास का यूज करें, इंडिसेस का पूरा प्रयोग करें, सरलीकरण की यह प्रक्रिया अगर देखा जाए तो 4 से 5 या हम कह सकते हैं 5+ लेक्चर में कवर होती है, जो सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन को एक्सप्लेन करती है। लेकिन इस शब्द के अंदर मुझे बहुत कुछ पढ़ाना होता है, इस बात आप जानते होंगे। दशमलव और भिन्न अगर देखा जाए तो संख्याओं के नेचर की ही बात की गई है तो यह हम संख्या पद्धति में ही कवर कर देते हैं। जब हम आपको संख्या पद्धति पढ़ाते हैं उसी समय हम दशमलव और भिन्न की प्रकृति के बारे में बताते हैं और इनको लेकर के जो कैलकुलेशंस होते हैं हम सिंप्लीफिकेशन में कवर कराते हैं। एक शब्द जो लासा और मासा है, अगर हम इसकी बात करें तो यह उपयोग में तो बहुत आता है,
लेकिन इसको पढ़ने के लिए जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल अर्थात भाज्यता का नियम बढ़ाया जाता है, उसमें कवर होता है। और डिविजिबिलिटी रूल पूरी तरह से इनको सपोर्ट करता है, इनके सभी प्रश्न लगभग 90% प्लस क्वेश्चन ये सब के सब उसी डिविजिबिलिटी रूल पर ही आधारित होते हैं। अनुपात और समानुपात एक दो टॉपिक हम लोग मानकर चलते, देखिए उसके साफ साफ नीचे लिखा है परसेंटेज। हम परसेंटेज को मानते हैं कि अर्थमेटिक का एक रूट है, ये अर्थमेटिक की जान है। अंकगणित जो कि टेक्निकल या कैलकुलेशन बेस्ड होती है, अगर हम उनकी बात ना करें नंबर सिस्टम की और सब चीज़ों की, तो परसेंटेज का उपयोग बहुत बड़ा होता है। हम परसेंटेज जिस दिन से पढ़ाना शुरू करेंगे आपको चीज़ें एहसास होगी, लेकिन उससे कहीं कम अनुपात और समानुपात नहीं है। लेकिन अनुपात समानुपात को इतने से दे देने से कवर नहीं होता है। आप मानकर चलिएगा इसमें दो तीन चीज़ें इसमें आप दिमाग में रखिएगा, जैसे कि एज रिलेशन, आयु संबंधी जिसको हम लोग कहते हैं, और पार्टनरशिप जिसको साझेदारी कहते हैं। आप एसआई की बात कर रहे हैं, इवन पुलिस की परीक्षा में भी पार्टनरशिप का प्रश्न आया है, साझेदारी के प्रश्न आए हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि ये दोनों टॉपिक लिखा भले नहीं गया है, इनके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वो तो सीधा सीधा कह देंगे कि इनमें दशमलव लगा है, अनुपात लगा है, तो अनुपात का उपयोग ही तो हो गया, ये बात सामने आ जाती है। इसलिए लिखा भले नहीं, पढ़ना हमको जरूर है। आयु संबंध पढ़ना जरूर है क्योंकि उसमें भी अनुपात का ही प्रयोग होता है। परसेंटेज एक एप्लीकेशन है, एक जानकारी है, और इस जानकारी को प्राप्त करते हैं हम अगर, तो तीन चार चैप्टर अपने आप से ही कवर हो जाते हैं। उसके लिए मुझे कुछ अतिरिक्त पढ़ने पढ़ाने की पद्धति पे नहीं बढ़ना होता है। परसेंटेज प्रतिशत मतलब एक प्रकार की जानकारी, कैलकुलेशन की एक समझने की प्रक्रिया। इसमें भी हम दो तीन चीज़ों में ही चीज़ों को कवर करते हैं, जैसे कि हम आपको पढ़ाने के दौरान कन्वर्जन इसका बताते हैं कि आप संख्या से प्रतिशत में कन्वर्ट कर सके, प्रतिशत से संख्या में कन्वर्ट कर सके। और अगर हम उसका उपयोग अच्छी तरह से समझ गए तो लाभ हानि और छूट इसी का पूरा पार्ट होता है। अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जो पढ़े हैं इस बात को जानते हैं मेरे से, वो बताते भी हैं कि हाँ सर इसके लिए हमें आपने और कोई मेथड नहीं पढ़ाया, हमें केवल प्रतिशत पढ़ाया, बाकी तो हम लोग उसी से कवर कर लिए, कहीं भी हमको किसी और एक्स्ट्रा नियम की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्योंकि प्रतिशत में एक टॉपिक होता है प्रतिशत वृद्धि और कमी, जिसको हम लोग मेन मानकर चलते हैं कन्वर्जन के बाद। वृद्धि और कमी अर्थात वृद्धि मतलब लाभ, जैसे दुकानदार किसी सामान के दाम को बढ़ा के बेचे तो लाभ हुआ, घटा के बेचे कमी किया तो हानि हुई। और अगर वही लाभ हानि, मतलब लाभ की बात करिए हानि छोड़ दीजिए, समय के साथ इन्वॉल्व कर दिया गया तो ब्याज हो गया। और उस वृद्धि कमी को जब हम पढ़ाते दो तरह से पढ़ाते हैं, एक कहते हैं कि सामान्य या एक बार की वृद्धि कमी, या सतत बार कंटिन्यूड जो लगातार वृद्धि पर बेस्ड होता है। जब वह सामान्य वृद्धि है तो साधारण ब्याज है, और जब सतत वृद्धि है तो चक्रवृद्धि ब्याज है। इसलिए कुछ नया नहीं पढ़ना है, उसी के अंतर्गत ही सब कवर हो जाता है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा। इसके आगे मैं बढ़ता हूँ तो देखिए साझेदारी वहाँ पे लिखा हुआ था, अभी अलग से उसने एक चैप्टर बनाया है, तो साझेदारी मैंने वहीं पर एक्सप्लेन कर दिया था। मैं जब औसत पढ़ाऊंगा तो साझेदारी वहीं कवर होगी, सॉरी रेशियो पढ़ाऊंगा। तो औसत एक नया वर्ड है, नया चैप्टर है, आप जानते हैं कि इसको पढ़ने के लिए औसत के ऊपर डिपेंडेंट सबसे पहले हमें सीक्वेंस सीरीज ही समझना होता है। संख्याओं को जो हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे वहीं से ही इसका बेस बनकर आएगा, बाद में हम औसत को अपने हिसाब से कवर कर लेंगे। समय और कार्य, समय और कार्य आप जानते हैं टाइम एंड वर्क है, जिसके साथ नल और टंकी एक टॉपिक होता है आप जानते हैं, वो भी इसी पर इन्वॉल्व होता है। इसके भी प्रश्न अलग से नहीं, इसी के अंतर्गत ही बेस्ड होते हैं, इसी पर डिपेंडेंट होते हैं, यहीं से कवर होंगे। चाल समय और दूरी, चाल समय और दूरी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। अगर मैं जब समय और कार्य पढ़ाता हूँ तो समय और कार्य का जो प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से चाल दूरी समय पर डिपेंडेंट होता है। जैसे हम कार्य को एक वैल्यू मानते हैं कि एक मात्रा मानते हैं, एक कार्य है, उसी तरह से दूरी को भी एक कार्य मान लेते हैं। हर व्यक्ति की करने की कार्य करने की क्षमता होती है, उसी तरह से हर मोटर व्हीकल या जो भी गाड़ी होती है उसकी चलने की एक दर होती है जो स्पीड कहलाती है, जिसको चाल कहते हैं। हर व्यक्ति भी किसी कार्य को या मशीन भी किसी कार्य को कुछ समय में निर्धारित कर देती है, कंप्लीट कर देती है। वैसे भी कोई एक मोटरसाइकिल या कार किसी एक सर्टेन दूरी को कुछ निर्धारित समय में कवर कर लेती है। तो अगर देखा गया दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और मुख्य उद्देश्य यही किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के दौरान होना चाहिए कि हम एक ही मेथड से बहुत कुछ कवर कर लें, मतलब प्रोसेस एक और यूजेस अनेक, ये दिमाग में आपको रख के चलना है। हम लोग इसी पद्धति पर काम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको वेरिएट हो, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि चीज़ों का मल्टी यूज करना है, हमें ज़्यादा जगहों पर हमें उसका उपयोग करना है। सारणी और ग्राफ का प्रयोग करना, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के ग्राफ जो कि बार ग्राफ होंगे, पाई चार्ट होंगे, बार में भी अलग अलग रेक्टेंगुलर होगा, लाइन होगा, डॉटेड होगा, तो जितने भी अलग अलग ग्राफ होंगे उन पर दी गई तमाम सूचनाओं को देख करके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर देना, ये आपकी परीक्षा का पार्ट होता है। मेंसुरेशन में आप अगर केवल शब्द मेंसुरेशन दिया है तो जाहिर सी बात है वो दोनों फिगर्स की बात कर रहा है, टू डायमेंशनल की भी बात कर रहा है, थ्री डायमेंशनल की भी बात कर रहा है।
अर्थात आप जानेंगे कि जितने भी प्लेन फिगर होते हैं, चाहे वो आपका त्रिभुज हो, चतुर्भुज, कोई भी प्रकार का हो, पंचभुज हो, खडभुज हो, सभी प्रकार के फिगर की जितनी भी प्रकृति हो सकती है, वो आपके परिमाप क्षेत्रफल निकालने पर भी डिपेंडेंट होती है, साथ साथ उनकी संरचना पर भी बेस्ड होती है। दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। थ्री डायमेंशनल में जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कमरे में खड़े हैं, क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, पिरामिड है, प्रिज्म है, ये जितने भी प्रकार के थ्री डायमेंशनल फिगर होते हैं जिनमें हम उस फिगर की कैपेसिटी अर्थात क्षमता का भी मेजरमेंट करते हैं, यह भी पार्ट प्रोसेस हमारे इस चैप्टर का पार्ट होता है। अंगणितीय संगणनाएं जिसमें हम लोग विश्लेषणात्मक कार्य करते हैं, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस, जो जनरली अगर देखा जाए तो कैलकुलेशंस का ही पार्ट है। और कुछ बातें देखिए, जैसे इन्होंने साफ साफ विविध लिख करके चीज़ों को छोड़ दिया है, लेकिन आप यूपीएसआई का पेपर उठा के देखिए तो आपको जो है यूपीएसआई के पेपर में क्या क्या और अतिरिक्त मिलेगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिलेगा, प्रोबेबिलिटी मिलेगा तो जाहिर सी बात है परम्यूटेशन कम्बिनेशन बिल्कुल छुपा नहीं उससे, ये भी उसी में कवर होगा। परम्यूटेशन कम्बिनेशन अर्थात अगर हम प्रायिकता पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात उसके पहले हमें क्रमचय और संचय अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ सेट थ्योरी का पोर्शन है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छिपी है वो भी अगर हम लोग देखें तो उसके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारा काम है कि हम कोई चीज़ को मिस ना करें, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य केवल एक बैच नहीं चलाना है यहाँ पर, या किसी का भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमारा नहीं, कोई भी अगर एक ऑथेंटिक संस्थान है, सिस्टम है जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है, कंटेंट प्रोवाइड करता है, उसका उद्देश्य कहीं भी से भी खानापूर्ति की नहीं होनी चाहिए, उसका उद्देश्य वो सब कुछ होना चाहिए जो कि आपको सफलता के शिखर तक ले जाए, जो आपको चीज़ों में इन्वॉल्व करके आपको सफल बनाए। तो हमारा भी उद्देश्य यही रहेगा कि हम एक न्यायिक प्रक्रिया से, हम लोग एक कह सकते हैं एथिकल रीजन से, हम आपको वो सब कुछ दें अपने अपने विषयों में, अपने अपने सब्जेक्ट्स में जो परीक्षा की एक्चुअल डिमांड है। तो ये हम कहीं से भी आपके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी चीटिंग का उद्देश्य नहीं रखेंगे कि हम वही दें जो लिखा है, हम वो बल्कि वो देने की कोशिश करेंगे जो एक्चुअली आपके यूज का है। इसलिए पूरा भरोसा और विश्वास करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम किसी भी हालत में कोई भी शब्द को, कोई भी टर्म को आपके साथ स्किप करके नहीं चलेंगे। जो भी परीक्षा का पैटर्न होगा, जो भी परीक्षा का प्रारूप होगा, उसके डेप्थ तक, उसके एंड तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। ये था सिलेबस के बारे में जानकारी। कुछ हमारे फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं जो हम लोग देते हैं किसी भी बैच को चलाने के दौरान। ये हमारी ऑनलाइन बैचेस का एक सिस्टम होता है, जब आप जुड़ते हैं, हमारी क्लास में आते हैं, तो हम लोग इनसे संबंधित जानकारियां कुछ देते हैं। जैसे ये सूचनाएं आपको जब भी बैच अनाउंस्ड किया जाता है तो उस समय भी दिया जाता है, अभी भी मैं देने की कोशिश करूंगा कि डेली लाइव क्लासेस होती हैं, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस बेस्ड जिसपे होता है, टोटल कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस बेस्ड हम लोग मतलब जब पढ़ाने की कोशिश करते हैं लाइव क्लास के दौरान, तो कॉन्सेप्ट भी देते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी कराने की कोशिश करते हैं लाइव कक्षाओं में ही। यूपीएसआई की एग्जाम बेस्ड जो क्लास नोट्स रहेंगे, जो जनरल हम लोग क्लास नोट्स अगर रेडी करवाते हैं, तो मैथ का अगर हम रेडी करवा रहे हैं तो हम उसमें फिल्टर करवाएंगे जो यूपीएसआई से संबंधित प्रश्न हो। हालांकि जब मैथ पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट तो लगभग कॉमन होते हैं, लेकिन उनका जो लेवल होता है, उनके तौर तरीके होते हैं, उनके प्रश्नों की प्रकृति, शब्दों का चयन जो होता है वो यूपीएसआई पर आधारित होता है। उसका मैं पूरा फोकस करूंगा कि आपको जो नोट्स दो, जो मैं पीडीएफ दूं आपको, वो इसी परीक्षा को टारगेट करता हुआ दिखे आपको। मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा या किसी भी टीचर का संस्थान में जो पढ़ाने का तरीका होगा, वो टॉपिक वाइज, जैसे होता है कि आप किसी चैप्टर को खोलते हैं तो कई सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक वाइज अलग अलग कंटेंट पर प्रैक्टिस शीट देना, आपसे हल करवाना, उन पर डिस्कशन करना, उनसे संबंधित जब यह कंप्लीट हो जाए तो उनसे संबंधित एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराना जो कि चैप्टर वाइज होगा, और उस टेस्ट के साथ साथ एक कंप्लीट प्रैक्टिस शीट खुद आपको देना जो आपके हल करने का काम हो, और साथ साथ इन सभी को देख करके एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट करना, कुछ लोगों से बात करना। कुछ लोगों से बात करने का अर्थ हम डिस्कस करते हैं, हम रीड करते हैं कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो कवर नहीं कर पा रहे हैं, या उनको किसी भी तरह से वो मानसिक रूप से पिछड़े हैं, या कोई भी चीज़ की समस्या होती है कोर्स से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित, हम उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट करते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं, उनको हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। डाउट रिमूवल सेशन, इन सभी चीज़ों पर आधारित हम लोग यहाँ पर अतिरिक्त ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्स्ट्रा कैरिकुलम होता है। परीक्षा के नज़दीक पहुँचने के दौरान हम लोग एक लेबल्ड टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि स्टेट लेवल का होगा, मतलब पूरे तरह से सबको केंद्रित किया जाएगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट किया जाएगा कि आप अपने आप को रिलेट कर सकेंगे, हम यूपीएसआई के कंप्यूटर हैं, उस तरह की परीक्षा पर बेस्ड। और फाइनली हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कोर्स रिवीजन की बात करेंगे जो मैराथन क्लास पर डिपेंडेंट होगा। इतना कुछ हमारी रणनीति का हिस्सा है। अब आप पढ़ने पढ़ाने की बात करिए,
पढ़ने पढ़ाने की बात अर्थात मैथमेटिक्स की शुरुआत, तो हमने जैसे आपको कहा कि एक शुरुआत ही हम क्यों ना करें मैथ की। मैथ की शुरुआत मैथ को समझते हुए कि गणित का उपयोग क्या है हमारी लाइफ में। आप जानते हैं कि गणित मतलब समस्याओं को हल करने का एक माध्यम है। कोई भी समस्या हो हमसे रिलेट करती हुई, हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती हुई, हम परीक्षा दे रहे हैं, मैथ पढ़ करके जा रहे हैं, मैथ को फेस करके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैथ के उपयोग को लोगों ने समझा है, सिस्टम ने समझा है, तभी वह गणित को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। आपकी जो लॉजिकल इम्प्रूवमेंट होती है, जो सोचने समझने की क्षमता होती है, जो स्थितियों से निपटने का जो आपके पास एक पावर आता है, या जो एक तरह से एनालिटिकल जो आपके अंदर सिचुएशन जनरेट होती है, वो गणित से ही कहीं ना कहीं डेवलप होती है। इसलिए गणित का उपयोग यहाँ पर हद तक माना जाता है, बड़ा माना जाता है। हम लोग भी ये समझ रहे हैं कि अगर हम कोई भी समस्या जो हमसे डेली लाइफ से रिलेट करती हो, अगर हम उसको हल करें, तो वह गणितीय प्रकृति पर या गणितीय प्रक्रिया पर डिपेंडेंट हो। अब गणित ही मीडियम होता है उन समस्याओं को या किसी भी समस्याओं को हल करने के लिए। तो सबसे पहला काम उन समस्याओं को हल करने के लिए समस्याओं को एक हमें प्रक्रिया में लाना पड़ेगा, मतलब उन समस्याओं को समीकरण में डेवलप करना पड़ेगा। उनके लिए हम एक समीकरण बनाएंगे, समीकरण का हल करेंगे, उनके ऊपर एक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। मतलब मुख्य दो काम हुए, सबसे पहले आपके पास एक समस्या थी, जिस समस्या प्रॉब्लम को हल गणितीय सिस्टम के माध्यम से हुआ, उसको हल करने के लिए हमें एक एक्सप्रेशन फ्रेम करना पड़ेगा। आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी रूपरेखा तय करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं, उसको प्लान करते हैं, आयोजित करते हैं, सिक्वेंस में लाते हैं, फिर उसको हल करने की, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम भी जब कोई प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम सबसे पहले उसको इक्वेशन में फ्रेम करते हैं, उसका समीकरण बनाते हैं, और फाइनली समीकरण को हल करते हैं। अब जब समीकरण आप बनाते हैं, तो आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले अंक की आवश्यकता होती है, नंबर की आवश्यकता होती है। अंक के साथ साथ कुछ चिन्हों की जरूरत पड़ती है। आप देखते हैं हमें अंक मतलब आप देखते हैं गिनतियां, जिसका यूज हम लोग करते हैं कैलकुलेशन को डेवलप करने के लिए, और उनको चिन्हों पर अप्लाई करते हैं। चिन्ह मतलब जोड़ घटाओ गुणे भाग बराबर स्क्वायर वर्गमूल, तमाम तरह के सिंबल्स आपको मैथ में मिलते हैं। इन दोनों के कम्बिनेशन से समीकरण बनता है, और इन चिन्हों की प्रक्रियाओं को ही हम लोग हल कहते हैं, कैलकुलेशन कहते हैं। यह गणित का उद्देश्य है। तो मुख्य काम जो करना है, जिसको यूज करके करना है, उनको समझने की भी तो कोशिश करना होगा। जो हमारे गणित के या गणितीय परिवार के मेन सदस्य हैं, जिनको अंक कहते हैं, उन अंकों के नेचर को समझने की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और आपको पता है कि ऐसी किसी भी परिस्थिति को जो हमारे सामने एज ए टेक्निकल प्रोवाइड की जाती है, सबसे पहले कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम होता है जो हर एक एक्टिविटी को मैनेज करता है। चाहे वो लंबाई को डेवलप करने वाला एक सिस्टम, जो आपने पढ़ा होगा कि पेरिस में एक सेब्रे शहर है, जहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय मेजरमेंट ब्यूरो है, वहाँ पर एक राड रखी गई है प्लैटिनम इराडिनम धातु की, जिसमें कुछ परसेंट प्लैटिनम है, कुछ परसेंट इराडिनम है, उसमें एक मार्क बनाया गया, वही एक मीटर है। मतलब एक सिस्टम है जो मेजरमेंट को कंट्रोल कर रहा है, एक सिस्टम है जो लेबोरेटरी में सभी केमिकल रिएक्शंस को मैनेज कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम, जैसे ICC पूरे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक तरह से ऐसी है जो सभी देशों की क्रिकेट एक्टिविटी को मैनेज करती है। ऐसे ही गणित को भी एक्सप्लेन करने के लिए एक सिस्टम होता है, जिसका नाम ही अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम है। जिसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम है, जो गणित की हर एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए हमको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंतर्गत संख्याओं की अलग अलग प्रकृति, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन के बिहाव पर हमें अलग अलग प्रकार के नंबर सिस्टम फेस करने होते हैं, क्योंकि गणित को पढ़ने का मीडियम सबका अलग अलग होता है। हम लोग सामान्य गणित जो पढ़ते हैं उसको, और बाकी कुछ टेक्निकल गणित, क्योंकि आज आप देख रहे हैं आजकल आपके पास तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में भी बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग है, वेदर फॉरकास्टिंग है, बहुत तरह के ऐसे सिस्टम हैं जहाँ पर आप लोग गणितीय प्रक्रियाओं का यूज करते हैं। लेकिन हमारी और सामान्य गणित के लिए हमें जिस सिस्टम या संख्या प्रणाली का उपयोग करना होता है, उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम, हिंदी में अगर हम इसको कहें तो दशमलविक संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है। दशमलविक संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आज की दुनिया में या कभी भी जब भी गणित सामान्य भाषा में हमारे सामने प्रयोग में लाई जाएगी, तो हम लोग दशमलविक संख्या प्रणाली का उपयोग करेंगे। अब आज मैं जानता हूं कि आज आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी ना हो, क्योंकि हम सब के हाथ में मोबाइल है और स्मार्टफोन है।
कैलकुलेटर्स है हमारे पास कंप्यूटर्स है, तो वहाँ पर जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको बाइनरी अर्थात द्विआधारी संख्या प्रणाली कहते हैं। कुछ हाई लेवल के कंप्यूटर जो बड़े लेवल की नेटवर्किंग के लिए यूज किए जाते हैं, एक जगह को जैसे आजकल देखते हैं कि आपके घर में कैमरा लगा, अपने मोबाइल में बैठ कर देख रहे हैं कि हमारे घर में क्या एक्टिविटी हो रही है। छोटी छोटी इस तरह की नेटवर्किंग को परफॉर्म करने के लिए ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज किया जाता है। बड़े लेवल के जैसे सैटेलाइट लॉन्च करना, मौसम की जानकारी देना, स्पेस में इस किसी फ्लाइट जेट को कंट्रोल करना, इन सब के लिए बड़े लेवल के सुपर कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं, उसके लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है। हमें और सबसे मतलब नहीं है, हमें अपनी भाषा से मतलब है, अपने सिस्टम से मतलब है। बेसिकली हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं और यही करते रहेंगे। आपका चयन भी हो जाएगा तो आप इतने टेक्निकल नहीं होंगे, या हो सकता है आप इतना टेक्निकल हैं तो आपको आजकल तो पुलिस की डिपार्टमेंट में भी देखिए तो आपको कितने टेक्निकल की होने की आवश्यकता है। आप लोगों को ट्रैस करते हैं, सर्विलांस पे रखते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि हायर लेवल पर इन तरीकों को जानने के बाद ही समझ में आती है। फिलहाल अभी परीक्षा केंद्रित करिए। तो परीक्षा केंद्रित करने के लिए हम लोग जिस मैथ को पढ़ेंगे उसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम, हिंदी में दशमलविक संख्या प्रणाली। हम बात किसकी कर रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम की, डेसिमल नंबर सिस्टम की, हिंदी में इसको हम लोग कह रहे हैं दशमलविक संख्या प्रणाली, दशमलविक संख्या प्रणाली। पहली बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह जो प्रणाली हम पढ़ने जा रहे हैं, इस प्रणाली को जैसे मैंने कहा ना एक सिस्टम है जिसको सब जो सबको कंट्रोल करता है, तो इस प्रणाली को भी अगर हम लोग कंट्रोल करने की बात करें तो इसके अंतर्गत कुल मिला के 10 सिंबल अर्थात 10 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। 10 प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन प्रतीकों का उपयोग पूरी गणित के दौरान होता है, मतलब उनके अतिरिक्त और किसी का नहीं होता है। वह प्रतीक क्या क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब 0 से 9 तक के सिंबल्स आपको गणित में दिए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में ए से लेकर जेड तक के सिंबल्स दिए जाते हैं और दुनिया में जितने भी शब्द होते हैं उन्हीं 26 लेटर से बनते हैं। हिंदी भाषा में का से लेकर ज्ञा तक दिया जाता है, ऐसे अलग अलग भाषाओं में भी अलग अलग लेटर्स आपको सीमित लेटर्स दिए जाते हैं। उसी प्रकार से गणित में भी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको 10 सिंबल 10 प्रतीकों को प्रयोग में लाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो यही 10 प्रतीक पूरी मैथमेटिक्स को आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि ये 10 ही सिंबल होते हैं, 10 ही प्रतीक होते हैं, इसलिए इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं का बेस, बेस मतलब आधार कहते हैं, आधार 10 होता है। आधार क्या होता है? 10 होता है। अब आपको कहोगे सर 10 का मतलब क्या है, कैसे समझें 10 होता है? मैं कहता हूं कुछ ऐसे होता है, आप कोई भी संख्या लिख दीजिए, 5, 2, 3, 4, 5 या 6 कुछ ऐसे लिख देते हैं। अब आप जानते हैं लिखते भले इस साइड से, पढ़ते इधर साइड से, इसको कहते हैं आप इकाई, इसको कहते हैं दहाई, इसको कहते हैं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से काउंटिंग करते हैं। इकाई को 10^0 आपने सुना होगा, 10^1 दहाई को, सैकड़े को 10^2, हजार को 10^3, 10,000 को 10^4, इसी तरह से 1,00,000 को 10^5 के रूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब आप सोचिए 10 ही आधार है, और क्यों है? क्योंकि हम 10 सिंबल 10 प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं अंग्रेजी भाषा का आधार क्या है तो आप कहोगे सर 26, क्योंकि 26 लेटर्स प्रयोग में लाए जाते हैं। हिंदी भाषा का आधार क्या है? आप कहोगे सर 36, क्योंकि 36 लेटर्स प्रयोग में लाए जाएंगे। तो अभी आप कहोगे सर ये जो आपने अभी 3 लिखा था इनके बारे में बताएं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बाइनरी में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है कि आपको कुछ नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम को, संख्याओं को बाइनरी में लिखने का प्रोसेस पढ़ाया जाता है कंप्यूटर संख्या प्रणाली के अंतर्गत। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक का सिंबल यूज किया जाता है, अर्थात कुल 8 यूज किया जाता है, इसमें कुल 2 यूज किया जाता है। इसकी बात अगर करें तो इसमें 0 से लेकर 9 तक मतलब कुल 10 प्लस 10 ए हो गए प्लस ए टू एफ अर्थात यहां पर कुल मिला के 10, 6, 16 सिंबल प्रयोग में लाए जाते हैं, मतलब ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट्स, 0 से 9 तक के न्यूमेरिक वैल्यूज। तो यहां पर अगर देखिए तो 2 सिंबल प्रयोग में लाए गए, इसलिए बाइनरी का आधार 2 होता है। ऑक्टल में 8 सिंबल प्रयोग में लाए गए, ऑक्टल का आधार 8 होता है। हेक्साडेसिमल में कुल 16 सिंबल प्रयोग में लाए गए, इसलिए इसका आधार 16 होता है। अब इतनी जानकारी तो जरूर आप रख लीजिए,
बाकी अपने उपयोग की बात कीजिए। हमारी संख्या प्रणाली जिसका हमें उपयोग करना है उसमें कुल 10 सिंबल प्रयोग में लाए जाएंगे, इसलिए हमारी संख्या प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं का आधार केवल और केवल 10 होगा, ये दिमाग में रख लीजिए आप। मैंने बताया कैसे। अब हम अपनी इस प्रणाली के अंतर्गत किसी भी संख्या को अगर लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा, किसी भी संख्या को अगर हम अपनी इस प्रणाली के अंतर्गत लिखेंगे उस संख्या को हमेशा दो भागों में बांटा जाएगा। संख्या के बीच में संख्या के साथ एक डेसिमल सिंबल इन्वॉल्व किया जाएगा। आप देखेंगे तो आप जैसे बैंक की पासबुक एंट्री देखिए तो अगर कोई भी अगर अमाउंट आपको दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये लिखना है तो 100.00 करके बैंक वाले लिखते हैं। इसका अर्थ है कि दशमलव होता है, दशमलव के पहले भाग को पूर्णांक कहते हैं और बाद के भाग को भिन्न कहते हैं या दशमलव कहते हैं, दशमलव अंक कहते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, यह जितने भी भिन्न मान या दशमलव के अंक होंगे वो हमेशा एक से छोटे होंगे। एक से क्या होंगे? छोटे होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 100.127। अब 0.127 हमेशा एक से छोटा, आप इधर लिखते जाइए चाहे जितना बड़ा आप लिख के रख दो, वैल्यू हमेशा एक से छोटी ही रहेगी। अगर एक होगी ना तो यह 100 नहीं रह जाएगा, तब 101 हो जाएगा। तो दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं सब एक से छोटे होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए दिमाग में आपको रखना है कि कोई संख्या, जैसे मान लीजिए केवल 100 है तो 100.00 समझिए उसका इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। इस समय यह संख्या प्योरली इंटीजर है, पूर्णतः पूर्णांक है। मान लीजिए अगर संख्या कुछ ऐसे लिखी होती 0.127 तो यह संख्या आपकी प्योरली फ्रैक्शन होती, पूर्णतः दशमलव की संख्या होती। लेकिन कम्बिनेशन की बात किया जाए तो संख्या हमेशा दो भागों में बांटी जा सकती है इन प्रेजेंटेशन, इन रिप्रेजेंटेशन। ये बात दिमाग में रखिए। आगे मैं बढ़ता हूं, अब मुख्य बात मैं करने जा रहा हूं, जिस प्रणाली का हम उपयोग कर रहे हैं उस प्रणाली की सभी संख्याएं जो हमको कैलकुलेशन में मिलती हैं उनको हम कैसे कैसे फेस करते हैं, उनके कितने पार्ट होते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। उनको कितनी तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनको समझने की कोशिश करिए। आप देखते हैं कभी संख्या भिन्न में मिलती है, कभी दशमलव में मिलती है, कभी जो है पूर्णांक के पूर्णांक प्योरली मिलती है, कभी जो है आपका भिन्न, मतलब इस तरह से अलग अलग नेचर में आप संख्याओं को फेस करते हैं। तो इसी आधार पर हमने संख्याओं का क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। आप भी अगर प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। अब हम संख्याओं के वर्गीकरण की बात करने जा रहे हैं। अब आप सबसे पहले समझिए कि संख्याओं के वर्गीकरण को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं सबसे पहले एक बात आपको बता दूं कि जितनी संख्याएं हम लोग इस प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग में लाते हैं आप उन सभी संख्याओं को पहला एक शब्द दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी की बात करूं तो हिंदी में इसको हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे, इसको हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे। आपने अगर ट्वेल्थ में मैथ किसी ने पढ़ी है तो सम्मिश्र संख्या के बारे में आप जानकारी रखते हैं कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। इन सभी संख्याओं को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, मतलब कुछ भी संख्या आप प्रयोग में लाते हैं आप सभी को सम्मिश्र कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। जैसे हमारी लाइफ, अगर लाइफ की बात किया जाए तो लाइफ इज आर लाइफ इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स लाइफ। हमारी लाइफ भी एक सम्मिश्र लाइफ है, कॉम्प्लेक्स लाइफ है। अगर हम अपनी लाइफ की बात करें उसी तरह से संख्याओं की बात करें, हम अपनी लाइफ को भी अगर देखें दो भागों में बांट सकते हैं। एक रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड मतलब दैट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जो जीवन से संबंधित हो, जीवन के आसपास हो, हमारे आसपास हमको प्रतीत होता है, जहां तक हमारी एग्जिस्टेंस हो, जहां हमारी रीच हो, वह हमारे जीवन का रियल वर्ल्ड होता है। जैसे आपसे कोई कहे कि अमेरिका कहीं पर है, बिल्कुल है, हम पहुंच भी सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहीं पर है, कोई एक जंगल फला कहां पर है, कोई समुद्र कहां पर है, इवन लोग मार्स मून पर भी पहुंच रहे हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं, मून पर पहुंच रहे हैं, तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं, सूरज से धरती की दूरी निकाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो लाइफ में हैं, जो एग्जिस्ट का एग्जिस्टेंस है हमारे जीवन में, वो रियल वर्ल्ड है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम मर के सर स्वर्ग चले जाते हैं, या कोई कहता है ना कि मर के स्वर्ग चले गए, मर के नरक चले गए। तो ना तो किसी ने स्वर्ग देखा है, ना तो किसी ने नरक देखा है। देखा कहाँ पे है? टीवी सीरियल्स में। टीवी सीरियल्स में देखिए तो जैसे कहें ना स्वर्ग है, तो स्वर्ग में दरबार इंद्र भगवान का लगा है, आप देखेंगे तो वहाँ ऐसे धुआं ऐसे निकलता रहता है, ऐसे सब बैठे हुए हैं आराम से, तो वो स्वर्ग है।
लोग को एहसास होता है क्योंकि वो सीरियल्स में देखे हैं। नरक में आप देखें यमराज जी तलवार लेके काटते रहते, सजा देते रहते हैं। ये इमेजिनरी पार्ट है। अब कोई मर के जाए स्वर्ग नरक लौट के आए और हमें बताए, तब तो हमें एहसास हो कि यह स्वर्ग है या नरक है। अदरवाइज हमें मानकर चलते हैं कि ये इमेजिनेशन है, हमारे जीवन की एक कल्पना है जिस पर अभी तक कोई जहां तक नहीं पहुंच पाया है। उसी प्रकार से गणित की सभी संख्याओं को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, लेकिन हम इनको दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं। एक रियल नंबर, जैसे मैं आपसे अभी रियल लाइफ की बात कर रहा था, हिंदी में इसको वास्तविक संख्या कहेंगे, हिंदी में इसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे। दूसरी इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जिसको हम काल्पनीय आभासी, काल्पनिक या आभासी संख्या कहेंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आभासी संख्या या काल्पनिक संख्या कहेंगे। दो भागों में आपने संख्याओं को बांट दिया। सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर की। मैं आपकी जानकारी के लिए और अपने पूरे कॉन्फिडेंस से बता दूं कि लगभग आप जितनी संख्याएं यूज करते हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक ही होती हैं, वास्तविक के अलावा कुछ नहीं होती है। इन सभी संख्याओं को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित करने के लिए एक संख्या रेखा का चयन किया जाता है। उस संख्या रेखा में बीच पर जीरो होता है, इधर एक होता है, इधर दो होता है, मतलब राइट डायरेक्शन में ऐसे बढ़ करके इन्फिनाइट तक जाते हैं। इधर माइनस एक होता है, माइनस तीन होता है, माइनस चार होता है, इधर बढ़ के माइनस इन्फिनाइट पर जाते हैं। यह संख्या रेखा वास्तविक संख्या रेखा कहलाती है, जिसका मिड पार्ट जीरो होता है। जीरो न्यूट्रल वैल्यू होती है, ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक, बट राइट में जाएं तो सभी पॉजिटिव नजर आएं और लेफ्ट में जाएं तो सभी नेगेटिव नजर आएं। और किसी एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच में, मैं आपसे पूछूं कितने नंबर पाए जाएंगे, इसके लिए मैं कहूं जैसे स्केल हम यूज करते हैं, चाहे मिलीमीटर चाहे सेंटीमीटर, तो आप देखिए अगर यहाँ जीरो है यहाँ एक है तो बंटवारा दस में किया जाता है। यह 0.1 है, यह 0.11 है, सॉरी 2 है। अगर हम फिर से बंटवारा करें तो 0.11, 0.12, इसी तरह से यह बंटवारा कभी खत्म ही नहीं होगा। तो मेरी बात अपने दिमाग में, अपनी जहन में रख लीजिए, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं पाई जाती हैं। किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं पाई जाती हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। वास्तविक संख्याओं की जानकारी ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी संख्याएं हमको प्रयोग में दी जाती हैं, कैलकुलेशंस के लिए दी जाती हैं, जिनका आंसर आता है, उस सभी की सभी संख्याएं एक वास्तविक संख्या ही होती हैं। ये बात अपनी दिमाग में रख लीजिए, मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस से इसको बता रहा हूं। तो मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि काल्पनिक कुछ नहीं होता है। काल्पनिक ऐसे तो देखा जाए तो कुछ नहीं होता है, लेकिन काल्पनिक का अर्थ एक प्रकार से जैसे शब्द कल्पना पर बना है, उसी प्रकार से हमें मानकर चलते हैं कि हमारे कैलकुलेशन में जो डिपेंडेंट नहीं होता, हमारी कैलकुलेशन प्रणाली को जो फॉलो नहीं करता है, वही काल्पनिक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर मान लीजिए आपसे मैं कहूं कि रूट चार क्या होगा, तो आप में सब अधिकतर लोग बताओगे सर प्लस होगा, माइनस होगा, टू होगा। अर्थात प्लस टू भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है, क्योंकि दो का वर्ग धन में है तो करेंगे चार आएगा, माइनस दो का वर्ग भी चार ही आएगा। इसी समय मैंने पूछा कि भैया अंडर रूट माइनस चार क्या होता है। अब यहीं पर आपका कंफ्यूजन है, आप कहोगे सर अंडर रूट माइनस चार तो अगर सोचा जाए कि किसी का भी वर्ग करो तो नेगेटिव चार तो नहीं मिलेगा, चाहे प्लस टू का करो चाहे माइनस टू का करो, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो हमारी कैलकुलेशन प्रणाली में यह सिस्टम है ही नहीं कि हम किसी भी संख्या का वर्ग करें और ऋणात्मक हो जाए, इसका कैलकुलेशन संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब नहीं है तो यही संख्या काल्पनिक संख्या कहलाई। अर्थात मेरी डिफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो लिख लीजिएगा, किसी भी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को ज्ञात करने की प्रक्रिया, किसी भी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को ज्ञात करने की प्रक्रिया संख्याओं को काल्पनिक संख्या बना देती है। संख्या काल्पनिक नहीं है, माइनस चार एक वास्तविक संख्या देखिए लाइन पर होगी, लेकिन रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है मैथ्स का, लेकिन माइनस रूट चार, जब हमने रूट माइनस चार को रूट के अंदर रखा तो संख्या काल्पनिक हो गई। अर्थात संख्या के काल्पनिक होने के लिए उस संख्या जो कि ऋणात्मक है उसको वर्गमूल को ज्ञात करने का प्रोसेस हम लोग जब करते हैं तो संख्या काल्पनिक बन जाती है। संख्या काल्पनिक नहीं होती है, संख्या काल्पनिक बन जाती है। जैसे मैंने कहा ना, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, वो हमारी कल्पना का एक पार्ट है। हमने सोच लिया तो हो गया, नहीं सोचा तो नहीं, यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं। फिर भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूलर। यूलर बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इन्होंने मैथ और साइंस से संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारी हमें दी जो आज हमारी जीवन को बहुत आसान कर दी है। यूलर ने एक शब्द दिया जिसका नाम है आयोटा, और उन्होंने कहा इसको आई से इनिशिएट करिए
और आई का मतलब उन्होंने कहा अंडर रूट माइनस वन होगा। उन्होंने एक्सप्लेन किया और एक साथ पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। हालांकि इंजीनियरिंग पार्ट है, हमारे पार्ट हमारी मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस पर डिपेंडेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पार्ट में होते हैं, इसलिए मुझे इसको समझाने की जरूरत है थोड़ी बहुत। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आई इज इक्वल टू उन्होंने कहा कि अंडर रूट माइनस वन होता है, तो आप किसी भी संख्या जैसे कि अंडर रूट माइनस चार है, इसको आप अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट चार लिख सकते हैं। ये तो आराम से लिखा जा सकता है और इसमें मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अंडर रूट चार की वैल्यू आपने प्लस माइनस टू बता दिया है और इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं कि आई है, तो यहां पर इसका मान हो गया प्लस माइनस टू इंटू आई, जो कि सामान्य कैलकुलेशन का प्रोसेस नहीं है, फिर भी उन्होंने उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका हमें दे दिया और उसका उपयोग उन्होंने कुछ आई के हिसाब से कराया। आई का जो एक्सप्लेनेशन है ये हमारी आज की मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको दिखाता हूं आई के बारे में, जब उन्होंने हम लोग को बताया तो हम लोग भी इतने जानकार हैं कि चीजों को और आगे डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने जैसे कहा कि आई की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन है, तो हमने सोचा कि आई स्क्वायर क्या है, तो पता चला कि माइनस वन होगा, क्योंकि यहां पर आपको पता है स्क्वायर का मतलब ये पहले पावर एक बटा दो होगी, वर्ग होते ही दो इंटू एक बटा दो होगी, अर्थात यहां पर माइनस एक हो जाएगा। आई की पावर तीन अर्थात आई स्क्वायर इंटू आई करेंगे अर्थात माइनस आई हो जाएगा। आई की पावर चार अगर मैं आपसे कहूं तो माइनस वन का वर्ग प्लस वन हो जाएगा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ही आप लिखोगे आई की पावर पांच आपको फिर आई मिल जाएगा, आई की पावर छह फिर आपको माइनस वन मिल जाएगा, आई की पावर सेवन आपको फिर माइनस आई मिल जाएगा, आई की पावर एट फिर आपको वन मिल जाएगा। हर चार के बाद यह रिपीटिशन कंटिन्यूड होता चला जाता है, इसकी साइक्लिसिटी चार के आधार पर, क्योंकि हर चार के बाद यह चीजें अपने आप को दोहराना शुरू कर देती हैं। मतलब आई के किसी भी पावर के लिए यही चार ही मान उपलब्ध होते हैं। तो हमारी परीक्षाओं में आजकल कुछ प्रश्न इस पर डिपेंडेंट पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा गया आई की पावर 33 क्या होगा। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं इसी के रूप में ला देता हूं इसको, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी चार है, तो आप 33 को चार से भाग दे दीजिए, 33 को चार से भाग दीजिए और चार अठे 32 गया, एक शेषफल बचा, एक शेषफल बचा, तो हम इसको सीधा सीधा आई की पावर, क्योंकि आपको पता है चार चार के रिपीटिशन तक चार पेयर ऐसे खत्म हो चुका है, जो अगला पेयर आठ के बाद नौवां शुरू होगा वहां पर आई की पावर वन जो होगा वही इसकी वैल्यू होगी, अर्थात यह अंडर रूट माइनस वन होगा। ऐसे किसी ने कहा आई की पावर 246 क्या होगा, मैंने कहा फिर इसको चार से भाग दे दें, और चार से भाग देकर अगर शेषफल ज्ञात करना है तो जरूरी नहीं कि पूरी संख्या को दें, केवल अंतिम के दो अंकों को चार से भाग दें। जैसे ही चार से भाग दिया तो आप देख रहे हैं चार से भाग देने पर यह स्थिति क्या हो जाएगी, आप चार ग्राम में 44 होता है, मतलब रिमाइंडर टू आएगा, रिमाइंडर टू आएगा, शेषफल अगर दो आया तो आई की पावर आप दो कर दीजिए, तो इसका मान हमें माइनस वन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम आई की किसी भी घात के लिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो यह प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। मुख्य बात पर आते हैं, तो मैंने देखा कि संख्या जो सम्मिश्र थी दो भागों में बटी थी, रियल और इमेजिनरी। अब हम मेन बात जो कर रहे थे, मैंने जैसे आपको अपने आधार पर बताया कि संख्या सबकी सब लगभग रियल अर्थात वास्तविक ही होती है। अब इस वास्तविक संख्याओं को अगर हम लोग चाहें तो फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। मैं बात अब रियल नंबर की कर रहा हूं, अर्थात हिंदी में जिसको हम लोग कहें वास्तविक संख्या की बात मैं कर रहा हूं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको हम कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, और मैंने अपने कॉन्फिडेंस से बताया कि सभी संख्याएं वास्तविक ही हैं। अगर हम इन वास्तविक संख्याओं की बात करें तो इनके फिर दो रूप हो जाते हैं, एक हो जाता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कैपिटल क्यू से प्रेजेंट किया जाता है इसको। दूसरा शब्द होता है इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर जिसको आप कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, इरैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की बात की जाए, सबसे पहले मैं परिमेय संख्या की बात करूं। एक कोई भी संख्या जो कि एक भिन्न अर्थात पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके, मतलब जिसका हम एक फ्रैक्शनल स्वरूप जिसको हम प्रोवाइड कर सके, जिसके लिए हम एक अंश अर्थात न्यूमिरेटर, एक हर अर्थात डिनोमिनेटर डेवलप कर सकें, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कभी भी इनके डिनोमिनेटर का मान जीरो नहीं हो। न्यूमरेटर का मान संभव है जीरो हो, कोई फर्क नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर का मान कभी जीरो ना हो। ऐसे सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितनी वास्तविक हैं सब परिमेय हैं। आप किसी भी संख्या को, पहले रेखा सोचिए क्या थी,
ये रेखा थी, यहाँ जीरो था, यहाँ एक था, यहाँ दो था, ऐसे बढ़ता गया, यहाँ माइनस एक था, माइनस दो था, बढ़ता गया। जो लाइन पर दिख रहे हैं वो सब तो परिमेय है, उनमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सब जैसे दो है तो दो बटा एक है, तीन है तीन बटा एक है, चार है चार बटा एक है, सौ है सौ बटा एक है, माइनस सौ है माइनस सौ बटा एक है, माइनस पचास है माइनस पचास बटा एक है, वो सब तो परिमेय है। साथ साथ आप किसी भिन्न को ले लीजिए, जैसे कि दो बटा तीन है, एक बटा पाँच है, माइनस तीन बटा चार है, ग्यारह बटा दस है, तेरह बटा पाँच, दस बटा तीन है, एक बटा पाँच है, ग्यारह बटा पंद्रह है, इस तरह से माइनस तीन बटा सात है, इस तरह से किसी भी भिन्न की बात कीजिए। इवन मैं जीरो की बात करूं, बाईस बटा सात की बात करूं, एक बटा तीन की बात करूं, एक दशमलव पाँच की बात करूं, तो आप कहोगे सर एक दशमलव पाँच को पंद्रह बटा दस लिख सकते हैं, तीन दशमलव एक चार की बात करूं, तीन सौ चौदह बटा हम सौ कह सकते हैं। आप किसी भी संख्या को उठाइए, जो संख्याएं आपकी भिन्न के रूप में लिखी जा सकेंगी उन सबको हम परिमेय संख्या ही कहेंगे। और मैं अपने विवेक से इतनी जानकारी आपको दे रहा हूं, यह सभी संख्याएं परिमेय ही होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। तो अपरिमेय क्या होता है, इसको दिमाग में रखिए। व्हाट अबाउट द इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर को जब एक्सप्लेन किया गया तो कहा गया कि संख्याओं का मतलब वास्तविक संख्याओं का वह समूह, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वास्तविक संख्याओं का वह समूह जो ना तो विभाजित हो, ना तो विभाजित हो, ना तो विभाजित हो और ना ही आवर्ती हो, ना तो विभाजित हो और ना ही आवर्ती हो, वही अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याओं का वह समूह जो ना तो विभाजित हो और ना ही आवर्ती हो, वही आपकी अपरिमेय संख्या है। तो शब्द यहां पर डिवीजन का बनकर आया, भाग का बनकर आया। तो डिवीजन को समझदारी से हमें समझने की जरूरत है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो संख्याएं हैं, जितनी भी विजिबल संख्याएं हैं जो आपको लाइन पर सीधा सीधा दिख रही हैं, जैसे एक दो तीन चार सोवान ऐसे बढ़ते जाएं, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन ऐसे सोवान बढ़ते जाएं, ये जो दिख रहे हैं अगर इनकी बात किया जाए तो सबके नीचे एक है। और आपको पता है कि भाग अर्थात किसी एक मूल राशि अंश का बंटवारा भिन्न होता है, जिसमें जो ऊपर वाला मान होता है वो आपका मेन प्रॉपर्टी आपकी अंश होती है, उसका बंटवारा नीचे अर्थात हर से किया जाता है, हर के आधार पर किया जाता है, हर के द्वारा किया जाता है। तो आप अगर संख्याओं की बात करें तो जितनी संख्याओं सबकी सब जो दिख रही हैं उनके नीचे तो एक ही है। तो अगर किसी के घर में एक ही वारिस है तो उसका कोई बंटवारा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनको तो लेके कोई टेंशन ही नहीं है, उनको तो सोचिए भी नहीं कि इधर अपरिमेय हो सकती हैं। कन्फ्यूजन थोड़ा भिन्न संख्याओं को लेकर हुआ, जिनके भाग हो सकते हैं जिनमें हर के नीचे एक के अलावा कुछ और होता हो, उनके बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो हमने जब डिवीजन को एकदम डिटेल से समझा तो मुझे एहसास हुआ यार कोई डिवीजन होगा तो तीन ही तो रिजल्ट देता है। कैसे? देखिए, कोई भाग होगा तो तीन ही रिजल्ट होगा देगा। जैसे कभी इस तरह का भाग देना हुआ, पंद्रह बटा तीन टाइप का, वैसे तो सोचा जाए भाग तो किसी संख्या को किसी संख्या से दे सकते हैं, कोई भी संख्या को कोई भी संख्या से दिया जा सकता है। कोई आपसे अगर कहेगा एक साल में बारह महीने होते हैं तो आप उससे भी कह सकते हैं भैया एक महीने में एक बटा बारह साल होते हैं, कह सकते हैं। ये भाग का प्रोसेस होता है, भाग से हमें कॉन्फिडेंस आता है। पंद्रह बटा तीन है, आपको पता है तीन ने पंद्रह को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, पूर्णतः विभाजित कर दिया। अब हमें एक ऐसा भी मिलेगा जो कि जैसे पंद्रह बटा चार है, आपको पता है कि इसको भाग देंगे पूरी तरह से तो नहीं कटेगा लेकिन दशमलव के कुछ अंकों पर कट जाएगा। यह भी विभाजित है लेकिन दशमलव के कुछ अंकों के बाद तक विभाजित है, पूरी तरह से नहीं है, दशमलव के कुछ अंकों के बाद तक विभाजित है। एक ऐसा भाग होता है जैसे कि एक बटा तीन है, आप इसको जब भाग देने लगेंगे तो 0.333333333 अनंत तक आएगा। तो मुझे एहसास हुआ कि चाहे जो भी डिवीजन अर्थात भाग होगा, या तो पूर्णतः विभाजित होगा या दशमलव के कुछ अंकों के बाद विभाजित होगा, यदि नहीं होगा तो उसी को आवर्ती होना कहते हैं। वह अपने दशमलव के कुछ अंकों के बाद रिपीटिशन को फॉलो करना शुरू कर देगा, अपने आप को दोहराना शुरू कर देगा। तो इन्होंने हमसे जो डिमांड की, ना तो विभाजित हो, इसका मतलब इनकी और इनकी तो बात ही नहीं है, पूर्णांक की कोई बात ही नहीं है, कुछ इनके लिए जरूर वो सोच सकता था क्योंकि ये विभाजित नहीं हो रही है, लेकिन उसने एक लाइन और लिख दिया ना ही आवर्ती हो। तो मैंने 100% कॉन्फिडेंस से कहा कि भैया आवर्ती तो जरूर होगी। तो भाग क्या है? कोई भिन्न तो नहीं हो सकता भाग। भाग, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भाग मतलब वह जो डिमांड कर रहा है
वह डिमांड कुछ ऐसा कर रहा है कि किसी भी कैलकुलेशन में जो रिजल्ट आए वो इस तरह से सोवान बढ़ता जाए और कोई भी ग्रुप या पैटर्न अपने आप को दोहराए ना, कोई भी ग्रुप या पैटर्न अपने आप को दोहराए ना। अब यह चीज केवल और केवल वर्गमूल से हो सकती है, वो भी उन संख्याओं का जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे एक को नहीं ले सकते हम क्योंकि एक पूर्ण वर्ग है, चार को नहीं ले सकते क्योंकि चार पूर्ण वर्ग है, पांच को, दो को लेंगे, तीन को लेंगे, पांच को लेंगे, छह को लेंगे, सात को लेंगे, आठ को लेंगे, नौ को नहीं ले सकते क्योंकि पूर्ण वर्ग है। मतलब इस तरह से जितनी भी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, के वर्गमूल को ज्ञात करने की प्रक्रिया संख्याओं को अपरिमेय संख्या बना देती है। यह डेफिनेशन हुई। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, के वर्गमूल को ज्ञात करने की प्रक्रिया संख्याओं को अपरिमेय संख्या बना देती है। दिस इज द पार्ट, दिस इज द टाइप। मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आई होगी। तो अपरिमेय भी अगर देखा गया तो जैसे आभासी के बारे में मैंने बताया था कि जब ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया तो संख्या काल्पनिक बनी, जब जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल ज्ञात किया तो संख्याएं आपकी क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। तो रूट ने संख्याओं के दो मेजर डिफरेंस यहां पर कर दिए हमारे सामने। अब मेजर डिफरेंस से हमारे पास जो मूल वैल्यूज है, जैसे हमने वहां से केवल वास्तविक को सेलेक्ट कर लिया, वैसे मैं यहां से अब केवल परिमेय को सेलेक्ट करूंगा और बात मैं अब परिमेय की करूंगा कि परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या को फिर से आप बांट सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल बांटा जाएगा। परिमेय संख्या को फिर दो भागों में बांटा जाएगा। एक बनेगा पूर्णांक, एक बनेगा पूर्णांक जिसको आप इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इसको हम आई से या तो जेड से प्रेजेंट करते हैं, इसको हम पूर्णांक कहेंगे। दूसरा बना हमारे सामने फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जिसको आप लोग क्या कहेंगे, भिन्न या दशमलव कहेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, जो मैंने अभी लाइन लिखी थी उस लाइन पर संभवतः जितनी संख्याएं थी वो सब संख्याएं पहले तो ऐसे सोचा जाए तो वास्तविक कहलाती हैं, लेकिन मैं इनको परिमेय भी मोस्टली कह सकता हूं। मैंने आपको समझाया, पूरा तो नहीं होता है लेकिन मोस्टली ये परिमेय होते हैं। अब अगर हम बात करें जो लाइन पर विजिबल हैं, अगर हम उनका एक सेट समूह बना दें, एक सेट समूह बना दें, यहां बीच में जीरो रख दें, वन रख दें, टू रख दें, थ्री रख दें, सो ऑन, माइनस वन रख दें, माइनस टू रख दें, माइनस थ्री रख दें, सो ऑन, तो यह जो कलेक्शन है यही इंटीजर या पूर्णांक है, जिसमें जो बीच का भाग है, बीच की वैल्यू है वो जीरो है, जिसको आप न्यूट्रल कहते हैं। आपकी ये वैल्यू जीरो है। इधर साइड अगर चले गए तो यह पॉजिटिव इंटीजर है, इधर साइड चले गए तो नेगेटिव इंटीजर है। मतलब तीन भागों में यह पूर्णांक को हम फिर से बांट सकते हैं, लेकिन उसके पहले पूर्णांक का नेचर समझ लीजिए कि अगर हमसे कोई कहे कि इस लाइन में और इस कलेक्शन में क्या फर्क है, आप लोग भी सोचिए क्या फर्क है। मैं बताता हूं कि इसमें मैंने अभी आपको बताया कि जीरो से एक तक पहुंचने के लिए अनंत संख्याएं क्रॉस करनी पड़ी, इसमें जीरो के तुरंत बाद एक है, एक के तुरंत बाद दो है, दो के तुरंत बाद तीन है, माइनस एक है, माइनस दो है, माइनस तीन है। मतलब यह सेट है, समूह है, वह रेंज है, यह फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। उसमें इसमें कोई भी भिन्न संख्या नहीं है। दशमलव के बाद हमेशा किसी भी संख्या के बाद दशमलव के बाद जीरो मिलेगा, भिन्न का हर हमेशा एक मिलेगा, वही पूर्णांक है। लेकिन उसमें आप दशमलव की बहुत सारी संख्याएं मिल सकती हैं, यह पूर्णांक हमारा है। अब इस पूर्णांक को मैं फिर कैटेगराइज करता हूं, ध्यान दीजिएगा। इस पूर्णांक, अच्छा एक चीज और दिमाग में वहां रख लीजिए कि जो दो पूर्णांकों के बीच में है, जो दो पूर्णांकों के बीच में है वही आपके भिन्न है, वही आपके भिन्न है। बाकी जो विजिबल थे उनको उठा के यहां रखा, जो दो पूर्णांकों के बीच में आए उनको उठा के यहां रखा। ऐसे ही परिमेय संख्या का बंटवारा हो सकता है। अब मुख्य काम हमें फिर से पूर्णांक पर करना है, इसलिए थोड़ा पूर्णांक की तरफ केंद्रित फिर से हो जाइए कि पूर्णांक क्या है, जिसको आप इंटीजर कह रहे हैं अंग्रेजी में। मैंने आपको बताया कि यह जो कलेक्शन था, यह आपने जो बनाया था अभी थोड़ी देर पहले एक सेट करके, यहां पर माइनस इन्फिनाइट है, डॉट डॉट डॉट, माइनस थ्री है, माइनस टू है, माइनस वन है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, सो ऑन प्लस इन्फिनाइट है। दिस कलेक्शन इज कॉल्ड द इंटीजर डिनोटेड बाई आई आर जेड, या इन दोनों सिंबल से किसी एक सिंबल से डिनोट किया जाता है। मैं अपने हिसाब से, जैसे मैंने अभी बताया कि जीरो न्यूट्रल होता है, जैसे नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन का काम चीजों को बैलेंस करने का होता है। ऐसे ही जीरो न्यूट्रल होता है, जो किसी से जुड़कर कोई फर्क नहीं डाल सकता, घटकर कोई फर्क नहीं डाल सकता। बाकी जीरो के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सब धनात्मक नजर आएंगे,
बढ़ते नजर आएंगे, जीरो के इधर जाएंगे तो सब घटते नजर आएंगे, सब नेगेटिव नजर आएंगे। जीरो के नजदीक जो सबसे पहला धनात्मक मिलेगा वह आपका सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा। जीरो के पहले जो सबसे पहला ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा वह सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होगा। एक के बाद सब बढ़ते जाते हैं, माइनस एक के पहले सब घटते जाते हैं, यह प्रोसेस होता है। तीन भागों में इसका बंटवारा मैंने फिर कर दिया। शून्य है, इधर चले पॉजिटिव है धनात्मक है, इधर चले नेगेटिव है ऋणात्मक है। अब अगर फिर से हम क्लासिफाई करें शून्य को लेकर के, तो सबसे पहली संख्या बनेगी होल नंबर, जिसको आप कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। बस एक जानकारी रख लीजिए, डिनोट कैपिटल W से किया जाएगा, लेकिन काउंटिंग की बात करें तो शून्य से प्रारंभ होकर जितनी भी काउंटिंग संख्याएं आपको धनात्मक पूर्णांक में मिलेगी सब आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो जीरो से प्रारंभ होकर सभी काउंटिंग नंबर्स जो पूर्णांक हैं, सभी काउंटिंग इंटीजर्स, सब की सब पूर्ण कहलाती हैं। अगला कलेक्शन यहीं से मिलेगा नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का जिसको हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एक से शुरुआत होती है, दो आया, तीन आया, चार आया, सो ऑन, इस तरह से बढ़ते जाइए। ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, आप इनको नेचुरल नंबर कह सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखिए, इसके बाद जब आगे बढ़े तो अगला नंबर हमारे सामने, अगला नंबर जो बनकर आएगा वह आपकी प्राइम नंबर होगी। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या दिमाग में रखिए क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोई भी संख्या स्वयं तथा एक से विभाजित होती है, मतलब हर संख्या के अपने दो गुणनखंड तो होते ही होते हैं, वह खुद से कटती है, एक से कटती है। लेकिन अगर कोई संख्या इनके अलावा किसी से ना कटे तो वही अभाज्य है। इसमें भी अगर मैं बात एक की करूं, एक का एक ही गुणनखंड है, वह खुद ही है। जीरो की तो बात ही मत करिए। अगर हम अभाज्य की शुरुआत की बात करें तो अभाज्य की शुरुआत दो से होती है, पहले दो आएगा क्योंकि दो के पास दो गुणनखंड हैं, एक और दो। फिर तीन आएगा, तीन के पास भी दो गुणनखंड है, एक और तीन। पांच आएगा, सात आएगा, ग्यारह आएगा, तेरह आएगा, सत्रह आएगा, उन्नीस आएगा, ये सब संख्याएं अभाज्य हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए फिर स्पष्ट कर दूं कि अभाज्य संख्याएं वह हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वह अपने और एक के अलावा किसी से नहीं कटते हैं। केवल दो मतलब केवल दो, ना तो उनके तीन गुणनखंड हो, ना तो उनके एक गुणनखंड हो। यह सभी संख्याएं अभाज्य हैं। तो हर संख्या के खुद और एक का गुणनखंड तो सबका होता है। जैसे अगर 16 भी लिखा तो 16 का भी पहला गुणनखंड एक ही होगा, अंतिम गुणनखंड खुद 16 होगा। तो इस तरह से हम अभाज्य संख्या की डिफिनेशन समझ पाते हैं। अगली संख्या समझ लीजिए, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होगा? भाज्य संख्या। इसकी जानकारी रख लीजिए कि जो संख्या ऐसी हो कि जिसके केवल, ऐसे नहीं, कम से कम तीन गुणनखंड हो, कम से कम तीन गुणनखंड हो, कम से कम तीन गुणनखंड हो, कम से कम तीन मतलब तीन हो या तीन से चाहे जितने ज्यादा हो, वह भाज्य है। मतलब वह अपने और एक के अलावा भी एक किसी अन्य संख्या से कम किसी अन्य एक संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे चार है तो चार देखिए, एक से कटा, चार से कटा तो दो से भी तो कट रहा है तो भाज्य है। छह है, एक से कटा, छह से कटा, दो से भी कटेगा, तीन से कटेगा तो भाज्य है। ऐसे ही हम बात करें आठ की, एक से कटा, आठ से कटा, दो से कटा, चार से कटा तो भाज्य है। कम से कम जिसके तीन गुणनखंड हो वह भाज्य है। मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। पूर्णांक की दो और विशेषता दिमाग में रख लीजिए, पूर्णांक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और दे दूं, क्योंकि देखिए जब मैं पूर्णांक को बता रहा हूं उस दौरान मैंने जो अभी चारों टाइप के मैंने आपको बताए वो सभी मैंने पॉजिटिव साइड में रखे। आपने देखा होगा, देखिए सब मैंने धनात्मक की तरफ रखा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सब धनात्मक ही नहीं होते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती हैं। इसलिए इन पूर्णांक की दो और कैटेगरी आप समझिए, एक आपकी कहलाएगी इवन नंबर, इवन नंबर जिसको हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या, सम संख्या। दूसरा ऑड नंबर जिसको हम कहेंगे विषम संख्या, विषम संख्या। एक हुआ सम संख्या, दूसरा हुआ विषम संख्या।
सम संख्याएं वह संख्याएं हैं, पहले चीज दिमाग में रखिए कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। तो मैंने सम संख्याओं को ना तो एक साइड रखा कि ये पॉजिटिव है केवल, या ना ही इधर साइड रखा कि ऋणात्मक है केवल, नेगेटिव है केवल, ये दोनों होती हैं। तो पहली जानकारी मेरी तरफ से यही है कि यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। और सबसे पहली पहचान इसकी क्या है कि इनके अंत में, जो धन की हम सम की बात कर रहे हैं, इनके अंत में हमेशा शून्य, दो, चार, छः या आठ आता है। ऐसी सभी संख्याएं जिनका जो इकाई का मान हो वो दो से कटे, या हम कह सकते हैं पूरी संख्या ही दो से कटे, अर्थात उनके अंत में शून्य, दो, चार, छः या आठ आता हो, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं। तो सम की पहचान का भी एक सिस्टम यही हो गया कि आप इंड प्लेस चेक कर लो, वहीं से आप लोग एहसास कर सकते हो वह संख्या सम है। बात अब विषम की है। जनरली डिफिनेशन में लोग कहते हैं कि विषम वह संख्या है जो दो से ना कटे। देखा जाए तो दो से तो सभी कटते हैं, भले ही दशमलव के कुछ अंकों के बाद कटते हैं, लेकिन कटते तो सभी हैं, पूरी तरह से ना कट के दशमलव के कुछ अंकों के बाद कटते हैं। मैं पहचान के लिए ऐसे बता दूं, जिस संख्या के अंत में एक है, तीन है, पांच है, सात है और नौ है, भाई दस ही कुल डिजिट थे, पांच इनको दे दिया, पांच ही इनको हमें देना पड़ेगा। जिस किसी संख्या के अंत में एक, तीन, पांच, सात या नौ आए, वह सभी संख्याएं दो से कभी नहीं कटेंगी, मतलब पूरी तरह से, और उन सभी संख्याओं को हम ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या कहते हैं। यह एक प्रक्रिया थी इन सभी संख्याओं को समझने की डिटेल से। अब अगर जितनी बातें आपने पढ़ी इसको अगर हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखना चाहें और समझना चाहें, तो मैंने एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है। इन संख्याओं का जो एक संपूर्ण डिटेल है वो मैंने यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने आपको कहा कि यह जो प्रारूप है, देखिए ऐसे डिफिनीशन पढ़ लेना अलग बात होती है, आप अगर सभी कुछ एक सिस्टम के वाइज या स्ट्रक्चर वाइज समझेंगे तो उसका एक अलग एहसास होता है। सम्मिश्र संख्या मैंने नाम दिया, दो रूपों में, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को पूर्णांक और भिन्न संख्या, पूर्णांक के भी तीन रूप होते हैं, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। यहाँ पर अभाज्य की भी अलग डिफिनीशन है, उसके भी कुछ अलग जोड़ों के आधार पर चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। रिलेटिव प्राइम जिसको सापेक्षित अभाज्य, को प्राइम जिसको सह अभाज्य, और ट्विन प्राइम जिसको जुड़वा अभाज्य कहते हैं। इनकी डिफिनीशन मैं अगले लेक्चर में आपको दूंगा और इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इधर थोड़ी सी जानकारी ऐसे रख लीजिए कि कुछ बातें हमको यहां से समझ में आती हैं। क्या आती हैं? जैसे मैं मान लीजिए आपसे कभी कहूं कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, तो आप कहेंगे सर यस होती हैं। लेकिन अगर कोई उल्टा इधर रिवर्स कराए कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तविक तो अपरिमेय भी होती है। मैं कह दूं सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं, यस बिल्कुल होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, यस जरूर होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं, यह जरूर होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, जरूर होती हैं। सभी भाज्य संख्याएं पूर्ण होती हैं, यह जरूर होती हैं। लेकिन उधर से जब आने लगेंगे तो कहेंगे सभी परिमेय पूर्ण सभी परिमेय पूर्णांक हैं, नहीं है। सभी पूर्णांक होल नंबर पूर्ण संख्या है, नहीं है। सभी पूर्णांक प्राकृतिक है, नहीं है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो सभी एक्सेप्टेड नहीं है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सभी एक्सेप्टेड है। मतलब आप इधर की कोई संख्या उठा लीजिए, कह दीजिए कि यह जो है, अगर इधर की तरफ चला जाए, पूर्णांक है, परिमेय है, वास्तविक है, कॉम्प्लेक्स भी है, आप सब नाम उसको दे सकते हैं। तो नीचे वाला पूरी तरह से ऊपर को ओबे कर रहा है, ऊपर को फॉलो कर रहा है, ऊपर वाला सभी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है। यह एक लॉजिकल जानकारी आपको इन संख्याओं के इस स्ट्रक्चर से समझ में आती है। मैंने आज आपको संख्या को समझाया, संख्या के वर्गीकरण को एक्सप्लेन किया, संख्या के बारे में आपको अपनी तरफ से जो संभावित जानकारी थी उसको देने की कोशिश की लेक्चर नंबर एक के माध्यम से, जिसमें आपने सिलेबस के द्वारा और कॉन्सेप्ट के द्वारा आज के इस लेक्चर को कंप्लीट किया, समझा। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आपको यह लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करूंगा। एक नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से फिर से मैं इनके आगे की प्रक्रिया पर आपसे डिटेल जानकारी या डिटेल इन्फॉर्मेशन में फिर से देने के लिए आऊंगा। एक नया लेक्चर आपको फिर पब्लिकली मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसका आप सभी इंतजार करें, और आप सभी अपना भरोसा और विश्वास संस्थान पर, हम सभी पर बनाए रखें। थैंक यू सो मच आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो, इस लेक्चर को देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, आप सभी को धन्यवाद।